shrewd in a brown study, savers, nerve stigma, baffled, grueling, satisfactory, integrate, not a huge fan of. और भी इसी तरह के टोटल 25 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है श्रूड। इसका मतलब है कि कोई पर्सन है वो सेंसिबल है, मतलब समझदार है, मतलब चीज़ों को समझने वाला है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इट वॉज नॉट योर श्रूड स्टेप दैट यू टोल्ड हिम एवरीथिंग। इसका मतलब ये होगा कि तुमने उसे सब कुछ बता दिया, ये तुम्हारा समझदारी भरा कदम नहीं था। It was not your shrewd step that you told him everything. अगला हमारा वर्ड है adore। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स, मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं वो चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स। अगला वर्ड है हमारा ग्रूलिंग। इसका मतलब है कि कुछ है जो टायरिंग है, मतलब कुछ है जो थका देने वाला है या फिर थकाऊ है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड वर्कआउट कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, इट वॉज़ वेरी ग्रूलिंग। मतलब मैंने लगातार 2 घंटों तक वर्कआउट किया, ये बहुत ज़्यादा थकाऊ था या फिर बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। आई डिड वर्कआउट कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, इट वॉज़ वेरी ग्रूलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैफल्ड। इसका मतलब है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो उलझा हुआ है या फिर असमंजस में है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रियली बैफल्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। मतलब पहनने के लिए 2 ड्रेसेस के बीच वो असमंजस में थी या फिर वो उलझी हुई थी। शी वॉज रियली बैफल्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। अगला वर्ड है हमारा ड्रेन्ड। इसको जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थका हुआ है, मतलब विदाउट एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक कम्प्लीटली ड्रेन्ड। मतलब तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो या फिर बिना ऊर्जा के दिखाई दे रहे हो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। यू लुक कम्प्लीटली ड्रेन्ड, यू शुड रेस्ट फॉर अ वाइल। अगला वर्ड है हमारा ऑफुल। इसका मतलब होता है कुछ है जो अनप्लेजेंट है, मतलब कुछ है जो बुरा है या फिर भद्दा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई फील ऑफुल इफ़ यू डोंट कमेंट मी आफ्टर मेकिंग योर सेंटेंस ऑन दिस वर्ड। मतलब अगर आप इस वर्ड के ऊपर अपना सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा या फिर भद्दा लगेगा। आई फील ऑफुल इफ़ यू डोंट कमेंट मी आफ्टर मेकिंग योर सेंटेंस ऑन दिस वर्ड। एक और एग्जाम्पल है, जैसे व्हेन आई फॉरगॉट हर बर्थडे शी फेल्ट ऑफुल। मतलब जब मैं उसका बर्थडे भूल गया, उसका जन्मदिन भूल गया, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। When I forgot her birthday, she felt very awful. अगला हमारा वर्ड है ferocity। इसका मतलब होता है जंगलीपन या फिर खूंखारपन। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट स्टॉप द डॉग फ्रॉम हैविंग फूड, डॉग शोड हिज ferocity टू मी। मतलब मैंने बस कुत्ते को खाना खाने से रोका, कुत्ते ने मुझे अपना जंगलीपन दिखाया या फिर अपना खूंखारपन मुझे दिखाया। आई जस्ट स्टॉप द डॉग फ्रॉम हैविंग फूड, डॉग शोड हिज ferocity टू मी। अगला वर्ड है हमारा स्टिग्मा। इसका मतलब होता है कलंक या फिर किसी चीज़ का लांछन। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द स्टिग्मा ऑफ बींग एल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू। मतलब शराबी होने का कलंक या फिर शराबी होने का जो लांछन है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। द स्टिग्मा ऑफ बींग एल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू। अगला वर्ड है हमारा स्पिट। इसका मतलब होता है फोर्स लगाकर अपने मुंह से कुछ थूकना, स्पेशली सलाइवा या फिर जो खाया हुआ है आपके मुंह में जो है उसको फोर्स लगाकर अपने मुंह से थूकना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, स्पिट आउट योर च्युइंगम एंड पे अटेंशन इन द क्लास। मतलब आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि आप जो च्युइंगम खा रहे हो उसको बाहर थूक दो और क्लास में ध्यान दो। स्पिट आउट योर च्युइंगम एंड पे अटेंशन इन द क्लास। अगला वर्ड है इंटीग्रेट। मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जोड़ देना, मतलब 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देना, टू मेक मोर इफेक्टिव। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू शुड इंटीग्रेट एक्सरसाइजेस इनटू योर लाइफ। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइजेस को जोड़ देना चाहिए। यू शुड इंटीग्रेट एक्सरसाइजेस इनटू योर लाइफ। अगला वर्ड है हमारा सेवर।
इसका मतलब होता है किसी चीज का स्वाद लेना या फिर किसी चीज का आनंद लेना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माय सिस्टर कुक्ड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सेवर द फूड टू अप्रिशिएट हर. मतलब जब मेरी सिस्टर ने पहली बार खाना बनाया तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर उसकी प्रशंसा करने के लिए मैंने खाने को चखा या फिर खाने का स्वाद लिया. व्हेन माय सिस्टर कुक्ड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सेवर द फूड टू अप्रिशिएट हर. अगला वर्ड है हमारा इकोनॉमिकल, मतलब कुछ है जो किफ़ायती है, मतलब कम खर्चे वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थ्रू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी. मतलब मैंने अपने दोस्तों को एक इकोनॉमिकल पार्टी कराई, मतलब एक किफ़ायती पार्टी कराई जिसमें कम खर्चा हुआ. आई थ्रू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी. अगला हमारा एक एक्सप्रेशन है, नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ समथिंग या फिर नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ समबडी. मतलब किसी चीज़ को पसंद ना करना या फिर किसी पर्सन को पसंद ना करना. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्लोथ्स इन डार्क कलर. मतलब यहाँ पर कपड़ों के बारे में बात चल रही है कि मैं जो डार्क कलर्स में कपड़े होते हैं, जो गहरे रंग में कपड़े होते हैं, उनको पसंद नहीं करता हूँ. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्लोथ्स इन डार्क कलर. आपके लिए होमवर्क है, इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आती है या फिर किस चीज़ को पसंद नहीं करते हो, उसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए. और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगला हमारा वर्ड है इंटीग्रल, मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, म्यूज़िक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ म्यूजिशियन. मतलब एक म्यूजिशियन के लिए, एक संगीतकार के लिए जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. म्यूज़िक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ म्यूजिशियन. अगला हमारा वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड. इसका मतलब होता है कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो उलझा हुआ है, जो कठिन है या फिर जो समझने में मुश्किल है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई कांट सॉर्ट आउट योर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. मतलब तुम्हारी जो उलझी हुई परेशानियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो समझने में मुश्किल हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या फिर उनको मैं सुलझा नहीं सकता. आई कांट सॉर्ट आउट योर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. अगला हमारा वर्ड है स्निफ. इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सूंघना, लेकिन जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो सांस लेकर सूंघने की जो प्रोसेस होती है उसको स्निफ कहते हैं. यहाँ पर चलिए जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई स्निफ्ड परफ्यूम बिफोर बाइंग इट. मतलब परफ्यूम को खरीदने से पहले मैंने परफ्यूम को सूंघा. आई स्निफ्ड परफ्यूम बिफोर बाइंग इट. अगली हमारी एक idiom है, गेटिंग अ सेकेंड विंड. मतलब किसी थकान के बाद या फिर किसी डीमोटिवेशन के बाद कुछ करने के लिए या फिर किसी चीज़ को पाने की दोबारा एनर्जी या फिर दोबारा उत्साह या फिर आप बोल सकते हैं कोई ऐसा जोश जो दोबारा वापस आ जाए. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हाइक टू रीच शिव टेम्पल. आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई गॉट अ सेकेंड विंड व्हेन आई सॉ द टेम्पल इन अ डिस्टेंस. यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ की जा रही है, अगर कोई जगह है वो इन अ डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हो. तो यहाँ पर इसी सेंस में इसे यूज़ किया जा रहा है. तो इसका मतलब होगा, मैंने शिव टेंपल पहुँचने के लिए पैदल यात्रा की, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन शिव टेंपल को अपनी आंखों से देखने के बाद, मतलब शिव टेंपल बहुत ज़्यादा दूर था लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे सेकंड विंड मिली. मतलब मेरा जो उत्साह था या फिर मेरी जो एनर्जी थी वो दोबारा वापस आ गई. आई हाइक टू रीच शिव टेंपल. आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई गॉट अ सेकंड विंड व्हेन आई सॉ टेंपल इन अ डिस्टेंस. एक और एग्जाम्पल है, आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप वर्किंग ऑन यूट्यूब बट आई गॉट अ सेकंड विंड आफ्टर सीइंग योर सपोर्ट. मतलब YouTube पर काम करना बंद करने के बारे में मैं सोच रहा था लेकिन आपके सपोर्ट को जब मैंने देखा तो मुझे सेकंड विंड मिली. मतलब मेरा जो उत्साह था या फिर मेरी जो एनर्जी थी वो दोबारा वापस आ गई. आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप वर्किंग ऑन YouTube बट आई गॉट अ सेकंड विंड आफ्टर सीइंग योर सपोर्ट. अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा पजेसिव. मतलब किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, मतलब उसको शेयर ना करना. मतलब अपनी मन में ये इच्छा होना कि मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिय है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम सो पजेसिव अबाउट माई न्यू बाइक.
मतलब मैं अपनी नई बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मतलब मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ भी, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है। आई एम सो पॉजिटिव अबाउट माई न्यू बाइक। आप किस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फॉल बिहाइंड, इसका मतलब होता है कि पीछे रह जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वी रैन टुगेदर बाय 5 किलोमीटर्स, देन कार्तिक स्टार्टेड टू फॉल बिहाइंड, मतलब हम 5 किलोमीटर्स तक साथ दौड़े, उसके बाद या फिर तब कार्तिक